तो अब तक आपने देखा, मैं वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर गई थी, और मैं वैक्सीन लग चुकी है, उसके बाद मैं घर आ गई हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्या क्या मुझे सिम्टम्स आए आफ्टर वैक्सीनेशन। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नेहा सैनी ब्लॉग्स। तो अभी शाम के 8 o'clock हो रहे हैं, और अभी मेरे को जो पहला सिम्टम आ रहा है वो है फीवर, कि मुझे जो फीवर है वो चढ़ना शुरू हो गया है। मेरी बॉडी इस टाइम पे अकड़ चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर रहा है। तो अभी जो टेम्परेचर था वो अभी तो नॉर्मल सा ही है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ही ऊपर गया है। अभी 99.5 था, तो इसका मतलब है कि जो मुझे फीवर है वो अभी चढ़ना शुरू हो गया। अब ये नहीं पता मुझे कहाँ तक जाएगा, लेकिन अभी मैं कुछ देर बाद मेडिसिन ज़रूर ले लूँगी, पैरासीटामोल की, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 6 घंटे के बाद मेडिसिन ले लेनी है। सो अभी मैं थोड़ा कुछ खा पी के अब मैं दवाई लेने वाली हूँ पैरासीटामोल की, और उसके बाद देखती हूँ कि किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स किस तरह के रहेंगे, क्या है, क्योंकि थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहती थी अपनी बॉडी को कि क्या मेरे को भी फीवर आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इतने टाइम का वेट किया। तो अभी फीवर जो है वो चढ़ना शुरू हो गया है, तो अब मैं कुछ खा पी के अपना मेडिसिन लेके सो जाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ कि किस तरह के रात में किस तरह के सिम्टम्स हैं, या सिम्टम्स आते हैं नहीं आते हैं और ज़्यादा। लेकिन अभी जो है मेरी बॉडी जो है पूरी हीटर बनी हुई है, हीट मतलब गर्म, इतनी ज़्यादा गर्म हो रखी है कि मुझे अपने सारे कपड़े गर्म गर्म लग रहे हैं। ये था मेरा फर्स्ट सिम्टम जो कि वैक्सीन लगने के बाद मुझे आया है, वो भी 6-7 घंटे बाद। मैं कुछ खा पी लेती हूँ, अगर फिर मुझे कोई सिम्टम आता है रात में भी या कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फीवर चढ़ना कहीं ना कहीं देखो मेरे को तो बिल्कुल लाजमी लगता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है जब भी हम कोई वैक्सीन ले रहे हैं तो हमारी जो बॉडी है उसके लिए रिएक्ट करेगी और एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो एक आर्मी है, तो जब वो फाइट करेंगी तो ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो इंक्रीज़ करेगा ही। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लाजमी भी लगती है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर रहा है, दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ तो हो रहा है, ठीक है। यानी कि एंटीबॉडीज़ जो हैं, यानी कि हमारी बॉडीज़ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रिएक्ट कर रही है, जो कि हमने वैक्सीन डाली है उसमें जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा वो बहुत जल्दी से हो जाएगा मेरा। सो जो हमने वैक्सीन के बारे में इतना कुछ पढ़ा है इम्यूनोलॉजी में, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। बेसिकली यही बेसिक आइडिया होता है किसी भी एक वैक्सीन का, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखते हैं चलो क्या होता है आगे, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं या नहीं आते हैं, जो भी रहेगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सब दवाई मैं अभी ले चुकी हूँ, लेकिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अभी दर्द होना शुरू हो गया है। अब जो हालत है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया था और बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, तो मैंने डबल कंबल ओढ़ा हुआ है, और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इस टाइम पे, और सुबह के 3:30 बजे हुए हैं। तो ये इस टाइम पे मेरे जो सिम्टम्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, फीवर बहुत तेज़ होने लग गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार फीवर चेक कर लिया जाए कितना है, तो उस टाइम पे जो फीवर है 101.2 फीवर था मेरे को, और बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी गर्म हो चुकी थी और मुझसे लेटा नहीं जा रहा था, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। अभी मैं कुछ टाइम के लिए छत पे आई हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं। छत पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है मेरे में से। तो अपने आप को थोड़ा सा कूल करने के लिए मैं छत पे आई हूँ कि थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और मैं थोड़ा अच्छा फील करूँ, इसलिए आई हूँ। अगर सही लगता है तो यहाँ बैठूँगी, वरना फिर मैं नीचे ही जा रही हूँ। सो अभी यहाँ पे हवा चल रही है, वो हवा मेरे सिर पे से ऐसे जा रही है, तो मेरे सिर में और ज़्यादा झनझनाहट हो रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे नीचे ही जाना चाहिए, वही मेरे लिए सही रहेगा।
अब मैं नीचे जा रही हूँ, फिर नीचे ही जा करके मैं आराम करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा रहा आज का दिन। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और सारी रात तो ऐसे ही मेरी गई है, पता ही है आपको। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ नीचे, फिर वहाँ पर आराम करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी मुझे थर्ड टाइम जो है पैरासीटामोल खानी पड़ी है, क्योंकि मेरा फीवर बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है, 100 से बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा है। पैरासीटामोल खा के 99.5 आ जा रहा है, लेकिन उससे नीचे नहीं जा रहा है। तो यही मेरा बेसिक सिम्टम है कि मुझे फीवर और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। रात में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लगी थी, तो मुझे दो दो कंबल ओढ़ के सोना पड़ा। तो यही मेरे बेसिक सिम्टम्स हैं। तो आप लोग भी डरिए मत, कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे मैं भी रिकवर कर ही लूँगी, क्योंकि मैक्सिमम 2 दिन तो आपको फीवर जो है रहता ही है, अगर किसी को आता है तो आप लोग भी वैक्सीन अपनी लगवा लीजिए। तो बेसिकली मेरे यही सिम्टम्स थे कि मुझे बॉडी पेन और फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है। फीवर मुझे 102, 101, 100 से तो कम रहा ही नहीं है। जब मुझे चढ़ना शुरू हुआ था उसके बाद से मुझे 100 से ऊपर ही फीवर रहा है। और आपका हाथ जिस पे आपको इंजेक्शन लगा है वो भी आपका हाथ अकड़ेगा। तो बस यही कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं, लेकिन मैं तो साइड इफ़ेक्ट नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी वैक्सीन अगर आपको इंजेक्ट की जा रही है तो वो ऑब्वियसली बात है कि आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट तो फाइट करेगा ही, एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन होंगी, तो उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर राइज़ होगा ही। और बॉडी टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से आपकी बॉडी इतना टेम्परेचर सहन नहीं कर पाती है, तो उसमें पेन होता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है, तो बेसिकली ये तो आएंगे ही अगर कोई वैक्सीन आपको लग रही है। और जिसको नहीं आ रहे हैं सिम्टम्स, वो शायद मे बी उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या कुछ और रीज़न रह सकता है उसका, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे तो आए हैं, मुझे फीवर और बॉडी पेन रहा है और हाथ में अकड़न। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।